आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के प्रशिक्षण के माध्यम से मैं आपको सॉफ्ट वीसी से कैसे जुड़ना है ये बताऊंगा। सॉफ्ट वीसी के माध्यम से हम विभाग द्वारा समय समय पर दी जाने वाली ट्रेनिंग्स में हिस्सा ले सकते हैं और उन सर्विसों का लाभ आम जनता को दे सकते हैं। हमें सबसे पहले हमें गूगल पर ई मित्र टाइप करना है। ई मित्र की साइट खोल ली है। ई मित्र पोर्टल खुलने के बाद में हमें मोर डिटेल्स ऑन ई मित्र पे क्लिक करना है। उसके बाद हम लेटेस्ट एंड डाउनलोड उस पर क्लिक करके इसको हम स्क्रॉल करेंगे और सॉफ्ट वीसी हेतु प्यूपिल लिंक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे। प्यूपिल लिंक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर। यहाँ से क्लिक करके हम इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेंगे। सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने के बाद में हमें इसे अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना है। सिस्टम पे इंस्टॉल करने के बाद में हमें इस सॉफ्टवेयर को रन करना है। और इसके अंदर हमें अपना कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर हमें अपना निक नेम डालना है और रूम नंबर और सर्वर एड्रेस। निक नेम, रूम नंबर और सर्वर एड्रेस की डिटेल्स विभाग के द्वारा, रूम नंबर और पासवर्ड एंड सर्वर एड्रेस की डिटेल्स विभाग के द्वारा आपको मीटिंग से पहले ही प्रोवाइड करवा दी जाती है, जो कि इस प्रकार है। और आप जैसे कि दो आप देख पा रहे हैं कि दो रूम नंबर है, एक 10022 जिसका पासवर्ड है स्मॉल में राज022, और सेकंड रूम नंबर है 10000 जिसका पासवर्ड है स्मॉल में KAR000। जो हमारा रूम नंबर 10022 है, इसे इस रूम नंबर में हम राजनेट और प्राइवेट नेटवर्क डोंगल से भी हम इस रूम नंबर में हम मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। और दूसरा जो हमारा रूम नंबर है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ राजनेट से ही मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। और इसके लिए हमें अपने यूज़र नेम में अपना नाम, पंचायत का नाम और ई मित्र आईडी लिखना ना भूलें। इसके बाद में हमें इसमें लॉगिन होना है। लॉगिन करने के बाद में ये हमसे पासवर्ड मांगता है। पासवर्ड में हमने इंसर्ट कर दिया। ये हम मीटिंग में अटेंड हो गए हैं। जैसे कि अभी फ़िलहाल मैं एक सिंगल अटेंडी हूँ, तो एक सिंगल ही आ रहा है। बाकी यहाँ पे जितने भी ई मित्र और विभाग के कर्मचारी अधिकारी अटेंड होते हैं मीटिंग में, उनके यहाँ पर हमें लिस्ट शो हो जाएगी। तो इसके सॉफ्ट वीसी के ज़रिए आप विभाग के द्वारा प्रशिक्षण लें और विभाग के द्वारा आयोजित की गई मीटिंग्स में सॉफ्ट वीसी के ज़रिए उपस्थित होकर उन सर्विसों का लाभ और जानकारी जो है आप आम जनता को देवें। धन्यवाद।